हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही एक प्रतिष्ठित एग्जाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए जिले भर में चर्चा बटोरी थी और फिलहाल कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की हाल ही में वापस हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। महीनों तक जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। मगर 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उठ जाते हैं। इस लड़की को प्यार हुआ था, मगर प्यार में उसे धोखा मिला और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने की पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और घटना के पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आप खुद को और अपनों को भी सुरक्षित रख पाए, इसलिए भी इस केस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, मगर पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के बलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती हैं। एक समय बाद मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती हैं। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्जाम क्लियर करना था। इसी एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती हैं। मौसी के पास आने के पीछे का कारण था कि यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यहाँ रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती हैं, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन दो दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के और मोनिका की आंखें चार होने लगती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी, उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्जाम भी आता है और वो IELTS एग्जाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती हैं। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती हैं। अभी मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील फोन पर मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका महज 17 दिनों बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती हैं। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती हैं। यहां आने के बाद वो अपने लवर सुनील से मिलती हैं और ये दोनों चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती हैं। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। अब अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती हैं, मगर उसके व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उसके परिवार से कोई उसे फोन करता था तो मोनिका अक्सर कॉल काट दिया करती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीने तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों का फोन उठाना तक बंद कर देती है। यहां तक कि कोई करीबी रिश्तेदारों के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में भी डाल देती है। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब अगले कई दिनों तक मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है। अंत में मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर
मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर गन्नौर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर अब इस केस की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। रोहतक आईजी इस केस की जांच भिवानी सीआईए टीम को सौंप देते हैं। अब पुलिस सबसे पहले इस केस के प्राइम एक्यूज्ड सुनील की तलाश में लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं अता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में कहीं से पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके उत्तर प्रदेश से ही 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील पुलिस के सभी आरोपों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस सुनील की मीठी बातों में आने की बजाय अपने अंदाज में पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की सख्ती के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी